माजी में कई मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में इकट्ठे काम करने वाले भारतीय अदाकार संजय कपूर और अदाकारा माधुरी दीक्षित जल्द नेटफ्लिक्स पर जलवा फरोज होंगे। दोनों की पहली सीरीज द फेम गेम का पहला सीजन 25 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है। वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स की जानिब से सीरीज के पहले सीजन की तारीख का ऐलान मंगल के रोज अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में किया गया था। नेटफ्लिक्स ने पोस्ट के साथ अंग्रेजी जुबान में एक लाइन भी शेयर की जिसका तर्जुमा है कि ऐसे कोई राज नहीं होते जिन्हें वक्त मुनकशिफ ना करे। नेटफ्लिक्स अपनी वेबसाइट पर द फेम गेम का तारुफ कुछ इस तरह कराता है कि भारत की सबसे मारूफ अदाकारा लापता हो जाती है और उनकी तलाश के दौरान उनसे मुंसलिक खानदान के दर्दनाक राज दुनिया पर फाश होना शुरू हो जाते हैं। सीरीज का पोस्टर देखकर एक बात वाजे हो जाती है कि इसके पहले सीजन में लापता होने वाली भारतीय अदाकारा का किरदार माधुरी दीक्षित निभा रही हैं। इस सीरीज की एक खास बात ये भी है कि इसके पहले सीजन में माधुरी दीक्षित और संजय कपूर तकरीबन 25 सालों के बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। द फेम गेम की हदायत करिश्मा कोहली और बिजॉय नाम्बियार ने दी हैं और इसमें पुरतायश और बोल्ड जिंदगी गुजारने वाली सुपरस्टार अदाकारा अनामिका आनंद की जिंदगी भी दिखाई गई है। वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित ने अनामिका का किरदार अदा किया है जो कि हर वक्त मीडिया कैमरों मद्दाहों पुरतायश पार्टियों और दीगर इवेंट्स की मसरूफ रहने और बोल्ड जिंदगी गुजारने के बावजूद खुद को नामुकम्मल महसूस करती हैं। इससे कबल माधुरी दीक्षित और संजय कपूर 1995 में फिल्म राजा और 1997 में फिल्म मोहब्बत में एक साथ काम कर चुके हैं। एक रोज कबल अदाकार संजय कपूर ने राजा फिल्म के मशहूर गाने पर माधुरी के साथ रक्स की एक वीडियो भी मकबूल सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।